ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपना फेसबुक को ओपन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह फेसबुक आपको ओपन हो जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर राइट एज जो समथिंग हेयर है इस पर टाइप करना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको फीलिंग एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर ढेर सारे आ जाते हैं, तो आप सैड चूज़ कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग इससे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फीलिंग सैड कर चुका, अब इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर एंटर एंटर टिप टाइप करना होगा। बहुत सारा प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है मैं स्क्रीनशॉट इस तरह एक ले चुका। अब आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैक करना होगा और इनशॉट एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। इनशॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो पे क्लिक करना होगा और जो आप अभी स्क्रीनशॉट लिए उस फोटोज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन कैनवस पे जाना होगा और यहाँ पर गाइस 4:3 रेशियो को चूज़ करना होगा और ये वाला जो है आपका इसे 100% कर देना होगा। वन फिंगर से उसे आपको इस तरह डाउन कर लेना होगा। तो डाउन करने के बाद फिर राइट का ऑप्शन पे इस तरह क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको टेक्स्ट का ऑप्शन पर जाना होगा और आपका जो भी लिरिक्स है या आपका जो भी कॉर्ड्स है उसे आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बंगाली पे टाइप कर रहा हूँ। इस फॉन्ट का भी नेम आपको मैं बता दूंगा और आप कहाँ से देख रहे हो वह मुझे कमेंट करके बताओ। तो जैसे कि मैं बंगाली पे टाइप कर चुका हूँ, अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर एक हाइफ़न दे देना पड़ेगा कुछ इस टाइप का और यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर एक एंटर टाइप कर दें और जस्ट जो सेकेंड स्टार्ट हो रहा है आपका उसका वहाँ पर भी आप इस तरह एक हाइफ़न दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक थर्ड लाइन क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइस फर्स्ट लाइन जो है उसे आप उसके बीच पे एक एंटर कर दीजिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एंड पे दो इमोजी आप इस तरह टाइप कर दीजिए और जो आपका थर्ड नंबर लिरिक्स है उसके एंड पर भी, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इमोजी ऐड कर दीजिए। तो जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन पे इसे ब्लैक कलर का कर लेना पड़ेगा और बॉर्डर भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो शैडो को चूज़ करें और जो आपको व्हाइट कलर है तो आपको ये व्हाइट के बाजू पे ये वाला इस कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉन्ट मिलता है, तो फॉन्ट आपको कैसे करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये जो बंगाली फॉन्ट है लिंक का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये बंगाली फॉन्ट को यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके आपका जहाँ पर भी है ये फॉन्ट सब आपको अपना जिस भी फोल्डर पे है आप उस फोल्डर से इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट चले आ जाता है। अब यहाँ पर गाइस आप इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इस तरह यहाँ पर सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं राइट का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अभी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ऑल राइट, सेव करने के बाद आपको बैक करना पड़ेगा। अब अगर आप हिंदी पे बना रहे हो या आप इंग्लिश सब यहाँ पर कैप्शन देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल टैप करना होगा और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ये टेक्स्ट सबको। तो यहाँ पर जो मेरा इंग्लिश पे मैं टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइस स्टार्टिंग पे सेम उसी तरह यहाँ पर एक हाइफ़न दे देना है और एंड पे आपको यहाँ पर कोई सा भी एक इमोजी बेहतर सा दे देना होगा। तो यहाँ पर मैं ये वाला कुछ ये वाला इमोजी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर गाइस आपको एक एंटर टाइप कर देना है कुछ इस तरह और इसके स्टार्टिंग पर भी एक इस तरह हाइफ़न देना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लाइन का स्टार्टिंग पर। और एंड पे जो है आपका एंड पे आप मैं कुछ डॉट सा दे देता हूँ और यहाँ पर कुछ इमोजी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसे ये वाला और यहाँ पर ये वाला टाइप कर देता हूँ जस्ट फॉर डेमो। जस्ट मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, एक ये ही दे देता हूँ। अब यहाँ पर राइट का ऑप्शन पे या सॉरी यहाँ पर कलर का ऑप्शन पे आपको इसे कलर ब्लैक कर देना होगा, शैडो भी चूज़ कर लेना होगा। फॉन्ट पे जाके आप यहाँ पर एक फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ऑटोग्राफिक फॉन्ट को सेम इंपोर्ट करा लीजिएगा। देन यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा और ये वाला जो आइकन है इसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ये वाला चूज़ कर लीजिएगा। देन राइट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसे आप थोड़ा छोटा करके यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है और आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। तो अगर आप चाहते हो ये वाला फॉन्ट यूज़ करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई सा अलग भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, तो आप इससे भी इस टाइप से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ और यहाँ पर सेम आपको यहाँ पर फोटोज़ पे क्लिक करना होगा। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर इमोजी वाला बनाते हो जैसे कि स्टिकर वाला तो आप यहाँ पर ये वाला फ़ोटोज़ को चूज़ करें। देन यहाँ पर गाइस आप एडजस्टमेंट पर जाना है और यहाँ पर विनियट को आपको 100% तक इस तरह कर देना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र को या कोई सा भी ब्राउज़र पर आना होगा और कार्टून स्टिकर PNG सर्च कर लेना होगा और यहाँ पर इमेज पर जाना होगा।
और ढेर सारा यहाँ पर इस टाइप के इमोजी सब देखने को मिल जाते हैं, PNG सब। तो जैसे कि अगर आप किसी के अंदर जाते हो तो आपको ढेर सारा इस तरह देखने को मिल जाते हैं। आप अपना PNG अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसा है आप इंपोर्ट करा सकते हो। तो मैं ये सब सोचो डाउनलोड कर चुका हूँ एक, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इनसॉर्ट को फिर से ओपन कर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनसॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद स्टिकर पर जाना होगा और यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा और जो आप PNG है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब सेट करने के बाद राइट का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और जो आपके यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना कॉर्ड्स को पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं अपर का ये दो लाइन नीचे का कट कर देता हूँ, अपर का लाइन रखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक हाइफ़न दे चुका हूँ जो कि आपको पता है यहाँ पर प्रेस करके रखने से हो जाएगा। देन कुछ डॉट देकर यहाँ पर मैं इमोजी सेट कर चुका हूँ। आप यहाँ पर शैडो ये सब एनेबल कर लीजिए। देन यहाँ पर मैं फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ, कुछ मेरा ये वाला फॉन्ट को रख लेता हूँ। अब इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इसे सेट करने के बाद इस तरह मैं यहाँ पर इसे भी सेट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अब फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और अपना पेस्ट कर देना होगा और जो आप यहाँ पर जैसे कि मैं पेस्ट कर देता हूँ उसे, और स्टार्टिंग पे जो आप ये टाइप किए थे इसे आपको रिमूव कर देना होगा। और सेम आप भी देख सकते हैं यहाँ पर भेबे यहाँ पर जो है यहाँ पर एक हाइफ़न दे दीजिएगा। तो इस तरह मैं हाइफ़न दे चुका हूँ और राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे भी कुछ इस तरह यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर इस तरफ थोड़ा स्लाइड करके यानी कि राइट तरफ थोड़ा ज़्यादा रखिएगा इसे और यहाँ पर इस तरह रख लीजिएगा और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसे करने के बाद यहाँ पर मिडिल पे सही से आप इसे कर लीजिए। देन इसे भी आप सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। देन फिर से आपको होम पे जाना होगा और यहाँ पर गाइस आपको वीडियो पे क्लिक करना होगा और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। और अगर आप अपना PNG कार्टून वाला बना रहे हो या आपको इस टाइप का या हिंदी जैसा भी आप बना रहे हो उस टाइप का फोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वो 4:5 वाला सॉरी 4:3 रेशियो वाला जो आप इनशॉट से बनाए मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब इस पर क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक करके अपना ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ड्यूरेशन पे जाके यहाँ पर से भी बढ़ा सकते हो और ना यहाँ पर टाइप कर सकते हो जितना दूर आपको करना है। तो जैसे कि मैं 15 सेकंड तक टाइप करके ओके कर दिया तो राइट कर दिया, वो 15 सेकंड तक हो चुका। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, फिल्टर पर जाना होगा और यहाँ पर इफेक्ट पर जाना होगा और यहाँ पर ग्लिच पे जाना होगा और सबसे एंड पे JPEG आपको मिलेगा इसे सिलेक्ट करना होगा और इसका वैल्यू को जीरो कर देना होगा। तो वैल्यू जीरो करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है ग्लिच इफेक्ट। तो राइट का ऑप्शन पे क्लिक करें और जो JPEG का एंड एरो है इस पर क्लिक करें, वीडियो एंड कर दें, आपको वो उतना दूर पहुँच जाता है। तो देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देन सेव का ऑप्शन पर क्लिक करें और इसे 1080 पिक्सल पे या 4K पे सेव कर सकते हैं। और अगर गाइस आप हिंदी पे बना रहे हो, जैसे कि अगर आप हिंदी का कोई लिरिक्स या कॉर्ड्स लिख रहे हो जैसे कि उम्र इतनी भी नहीं थी जितना सबक सीख लिया हमने, तो ये इस टाइप का है। तो ये इंग्लिश पे मैं टाइप किया हूँ, आप हिंदी फॉन्ट पे भी ये लगा सकते हो और यहाँ पर मैं इंग्लिश पे टाइप किया हूँ। तो देख सकते हैं आप इस पे इस तरह ग्लिच इफेक्ट लगा कर आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं। अगर आप बंगाली बना रहे हो तो बंगाली आपको अकॉर्डिंग आप हिंदी पे टाइप भी कर सकते हो और बंगाली पे भी टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, मुझे देखना कहां से ज्यादातर लोग देख रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि आप इस टाइप का वीडियो सेव कर लिए और यहां पर जैसे कि आपका जो कार्टून वाला था स्टिकर वाला था आप उसे भी इस टाइप से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहां पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको VPN को ओपन करना होगा। कोई सा भी VPN यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ढेर सारा VPN आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टैप टू कनेक्ट पे क्लिक करके इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्बो VPN। देन ये कनेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद आप CapCut एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। CapCut को इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आप जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किए इनशॉट से उन वीडियो सब को आप यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैं इसे इंपोर्ट करा लेता हूँ। देन ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको एंड पे एक वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को डिलीट कर देना होगा। अब यहाँ पर गाइस आपको ऐड पे जाना होगा, एक्सट्रैक्ट पे जाना होगा और यहाँ पर आप अपना वीडियो का ऑडियो को इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप ऑडियो कर सकते हो, यानी कि आपको कोई सा भी वीडियो का ऑडियो को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से आप वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप मैन्युअली भी यहाँ पर अपना ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इनमें से कोई भी एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर साउंड पे मैं चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल पे चले जाता हूँ फ्रॉम डिवाइस। देन यहाँ पर मैं कोई सा भी एक सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर डेमो। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो को मैं सिलेक्ट कर चुका। अब ऑडियो को आपको यहाँ पर दो बार क्लिक करना होगा, स्प्लिट कर देना होगा और इसे डिलीट कर देना होगा और जितना दूर आप वीडियोज़ बना रहे हो उससे कर लेना होगा। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, ओवर ले पे क्लिक करना होगा, ऐड ओवर ले फोटोज़ पे आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको इन ओवरले सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको जैसा मर्जी आप इंपोर्ट करा सकते हो। तो मैं इसे इंपोर्ट करा लेता हूँ ऐड पे क्लिक करके। देन टू फिंगर्स से मैं इसे इस तरह जूम कर लेता हूँ। स्प्लाइस पे जाना होगा, थोड़ा देर वेट करना होगा। आप डार्केन भी कर सकते हैं वरना आप बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्न किया हूँ। अब इसे आपको ड्रैग कर देना है जितना दूर आप वीडियोज़ बना रहे हो।
देन आप अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से आपको बैक करके न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जो अभी आप एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वो वाला वीडियो को चूज कर लेता हूँ, ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये वाला वीडियो है। उसके बाद एंड पे जो वीडियो मिलती है इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा इस वीडियो पे, एनिमेशन पे जाना होगा, इन पे जाना होगा और यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको 3 नंबर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और इसे आपको 5 सेकंड तक कर देना होगा और यहाँ पर गाइज राइट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर चले जाना होगा, देख सकते हैं इफेक्ट्स स्टार्टिंग टाइम से, देन वीडियो इफेक्ट्स, और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसा है वैसा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आ चुका है तो यहाँ पर आपको बेसिक पे जाना होगा और स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं ब्लरी फोकस को सिलेक्ट करना होगा। अब ब्लरी फोकस को सिलेक्ट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट पे आप इसके स्पीड एंड ब्लर को सिलेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं 40 कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आपको उसके बाद इस तरह ब्लर होके आएगा और इस तरह आपका वीडियोस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा बना है आपका वीडियो, लेट्स सी। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बंगाली पे बनाया हूँ कैप्शन, आपको मैं हिंदी पर भी दिखाया है यानी कि इंग्लिश पर भी आप लिख सकते हो, उसके अंदर आप हिंदी मीनिंग रहे हैं। तो आप कॉट सबको यहाँ पर बंगाली फॉन्ट थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं बंगाली फॉन्ट यूज़ किया। आप हिंदी फॉन्ट सॉरी यानी कि इंग्लिश फॉन्ट जो है वो सब फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप हिंदी पे बना रहे हो तो हिंदी पे बना सकते हो, बंगाली व्यूअर्स बंगाली पे भी वीडियो बना सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे हेल्प होगा जो मैं किस टाइप का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करूं। तो देन अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जरूर।